اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। यासीन कुरान हकीम की कसम, आप मुरसलीन में से हैं और बिल्कुल सीधे रास्ते पर हैं। تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. یہ قرآن خدائے عزیز و مہربان کا نازل کیا ہوا ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جس کے باپ دادا کو کسی پیغمبر کے ذریعے نہیں ڈرایا گیا تو سب غافل ہی رہ گئے۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یقیناً ان کی اکثریت پر ہمارا عذاب ثابت ہو گیا تو وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ، ہم نے ان کی گردن میں توک ڈال دیے جو ان کی ٹھڈیوں تک پہنچے ہوئے ہیں اور وہ سر اٹھائے ہوئے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے ایک دیوار ان کے سامنے اور ایک دیوار ان کے پیچھے بنا دی ہے اور پھر انہیں عذاب سے ڈھانک دیا ہے کہ وہ کچھ دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہ گئے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور ان کے لیے سب برابر ہیں،
आप उन्हें डराए या ना डराए, ये ईमान लाने वाले नहीं हैं। انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة واجر كريم। आप सिर्फ उन लोगों को डरा सकते हैं जो नसीहत का इत्तेबा करें और बगैर देखे अज़गैब खुदा से डरते रहें, उन्हीं लोगों को आप मगफरत और बाइज्जत अज्र की बशारत दे दीजिए। इन्ना नहनु नुहिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमु व आसारहुम وكل شيء أحصيناه في إمام مبين। बेशक हम ही मर्दों को जिंदा करते हैं, बेशक हम ही मर्दों को जिंदा करते हैं और उनके गुज़िश्ता आमाल और उनके आसार को लिखते जाते हैं, और हमने हर शह को एक रोशन इमाम में जमा कर दिया है। صدق الله العلي العزيز الحكيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه ميت ماتة جاهلية। سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلى الله عليه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا कि जो भी अपने ज़माने के इमाम को पहचाने बग़ैर इस दुनिया से चला जाए उसकी मौत कौन सी है? अहसन, जाहिलियत। किसने कहा? आपने बताया कि नहीं बताया? आज आपसे सवाल है, याद रखिएगा। अगर भूल जाएं तो आप लोग याद दिला दीजिए, उनसे सवाल करना है शुरू में नहीं, वरना फिर आप जो है होपलेस हो जाएंगे। शुरू वाला जो सवाल है वो आपसे करेंगे, क्योंकि आपको मैंने कहीं देखा है इससे पहले, है ना, इस क्लास से पहले। चलिए नहीं, फिर भी कहीं देखा होगा। सवाल बताइए, क्या कल मैंने क्या लिखवाया था? आपने कहा था इमाम की सूरत जो है उसके हाँ शक्ल कैसी होगी इमाम की, है ये अहसन, याद है आपको माशाल्लाह से। इनकी सलामती के लिए एक सलावत भेजिए वरना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये इम्तिहानी सवाल है, इसलिए मैंने याद लिखवाया था। और यहाँ पर जो इस जुज़्वे में आपके सिलेबस में लिखा हुआ है वो ये है कि इमाम की जो सूरत होगी वो ये रंग जो है वो गंदुमी रंग होगा इमाम का, पेशानी गुशादा यानी बहुत ऊंची पेशानी होगी, इतनी ऊंची होगी कि देखने में अच्छी लगे, ठीक है। उसके बाद नूरानी सूरत होगी, भवें इमाम की जो होंगी वो चाँद के मानिंद होंगी, आँखें बड़ी और काली, नाक बुलंद, खूबसूरत दांत, सफ़ेद चमकते हुए, दाहिने रुखसार पे एक काला तिल इमाम के होगा, जो है होगा नहीं है, जब आप देखेंगे इंशाल्लाह तो जो है बहरहाल अंदाज़ा होगा कि जो मैंने बताया था वही है। जो मैं नहीं बता रहा हूँ बल्कि जो किताब मैंने शेयर की है जनाब अली हैदर साहब को, वो इंशाल्लाह खाहरान में जो भी वॉलंटियर है उनको शेयर कर देंगे, और फिर जो भी चाहेगा वो किताब कमालुद्दीन व तमामु नेमा दो जिल्दों पर है, वो मैंने शेयर कर दी है, आप लोग उसको लेकर मुतालिया करिए खाली वक्त में, बहुत ही अहम किताब है। उसके अलावा जो कल एक सवाल और भी किया था उस वो भी मैंने शेयर कर दिया है, उस किताब का नाम भी मैं यहाँ पर लिख दूँगा, जिन किताबों में तशय्यो की मौजूद है वो वाक़या जो मुझसे सवाल किया गया था, बाद में क्लास के बाद जो है
आप जो खाहर मोहतरम थी बाद में सवाल किया था वो हमसे सवाल क्लियर कर लेंगे। मैं यहाँ पे किताब कई किताब के नाम लिख दूंगा आखिर में, लेकिन बहरहाल जो सवाल इम्तिहानी है उसके सिलसिले में मैं यहाँ पे बात कंप्लीट कर दूँ। दहने रुखसार पे काला तिल होगा, दोनों शानों के बीच में मोहर नबूवत की तरह एक मोहर है इमाम के शानों के बीच में, जो एक ख़ास निशानी है कि ये इमाम हैं और इमाम ज़मान हैं जिनके ऊपर जिसे कहा जाए खातिमुल अइम्मा, और इमाम के आखिरी जानशीन जो रसूलुल्लाह के हैं वो ये हैं। उसके बाद जो और सिफतें बयान की गई हैं वो सिफत ये बयान की गई है कि अहले इबादत होंगे, शब जिंदादार होंगे और सादा जीस्ती होगी, यानी बहुत ज़्यादा उनकी ज़िंदगी में हौश पौश नहीं होगी और बहुत सादा ज़िंदगी गुजारेंगे। जो सादा जीस्ती, जीस्तन के माने होते हैं अरबी के ज़िंदगी, सादा यानी सादा, सादी ज़िंदगी जो है इमाम की होगी। और बहरहाल उसके बाद अदालत और इल्म के बहुत ज़्यादा ख्वाहां होंगे, जो बहरहाल वाज़े है। अहले क़याम होंगे और जिहाद, यानी कहीं पर जुल्म को जो है कहीं पर भी हो रहा होगा वो खामोश नहीं रहेंगे। इमाम के चाहने वालों की भी यही पहचान है कि अगर कहीं पर जुल्म हो रहा हो किसी के ऊपर भी, चाहे वो ज़ुबान से हो रहा हो, चाहे वो किसी भी हाथ से हो रहा हो, असलहे के ज़रिए हो रहा हो, इंसान बोल के इजहार नफ़रत करे उस जुल्म की, इमाम के चाहने वालों की अलामत है। और अगर घर में कोई किसी को अजियत दे रहा है, ज़ुबान से जुल्म दे रहा है, जुल्म कर रहा है, तो हमारी ज़िम्मेदारी है ऐज़ इमाम के चाहने वाले, ऐज़ इमाम फॉलोअर इमाम के, हम जो है उसके ख़िलाफ़ उठें और कहें कि ऐसा ना करिए, आप जो है इमाम के चाहने वाले हैं। इमाम अगर देख रहे होंगे, देख रहे हैं तो वो कैसा महसूस करेंगे। बहरहाल इमाम के अंदर मुसलह आलम, यानी आलम यानी पूरी दुनिया को इस्लाह करने का अल्लाह ने उनको कुदरत और ताकत दी हुई है, उनके अंदर जज्बा भी हो है कि वो पूरी दुनिया, अल्लाह की पूरी दुनिया को इस्लाह करें और बेहतर करें। जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की नस्ल से और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नवे फ़र्जंद, ये यानी ख़ुसूसी अलामतें हैं इमाम की शक्ल शमाइल में, जो यहाँ पर किताब में लिखा हुआ है उसी किताब में। उसके बाद ज़ुहूर के वक्त काबे की दीवार से टेक लगा के, जो मसलन बहुत मशहूर है, आपने सुना ही है कि आला सारातिल हुसैन, ए हुसैन के खून का बदला लेने वालों कहाँ हो, जो अक्सर मैंने इससे पहले बहरहाल अर्ज किया था पिछले साल, हमें सारी बातें याद हैं जो मैंने क्लास में अर्ज किया था, लेकिन हमारे जो वहाँ पर स्टूडेंट्स थे उनको बहरहाल जब हम बताएंगे तो याद आ जाएगी कि इमाम जो हैं, करबला की जंग जो है वो ख़त्म नहीं हुई है बल्कि रोकी गई है, और अभी भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो सदाए हल मिन नासरीन यंसुरना आखिर वक्त में बुलंद की थी, इसका कोई भी जवाब नहीं है मगर इनकी ये हो कि जंग रोकी गई है। जंग रोकी गई है, जंग रोक दी गई है कि कितने फॉलोअर्स इमाम हुसैन सलाम के आ रहे हैं इमाम हुसैन सलाम का साथ देने के लिए, यानी इस तरफ और उस तरफ कितने लोग जा रहे हैं। वो सदा बुलंद है लब्बैक या हुसैन कह के, रोज़ बरोज़ आप देख रहे हैं कि जो मसलन एक 10 साल से सद्दाम के सकूत के बाद एक बेहतरीन काम है कि जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, अरबईन की जो वॉक है उसमें बहुत से लोग इकट्ठा होते हैं पूरी दुनिया से, यानी एक जज्बा होता है साल भर पूरी दुनिया में लोग इंतज़ार करते हैं कि हम उस जगह पहुँचें। क्यों पहुँचें? इमाम के ज़ुहूर के लिए फ़ौज तैयार हो रही है। और शहीद कासिम सुलेमानी ने अपने आखिरी सफ़र में ये कहा था कि ये जो इराक़ में अरबईन वॉक शुरू हुई है, यही वॉक जो है ज़मीना बनेगी कि इमाम के फ़ौज में लोग दाखिल हों। इंशाल्लाह खुदा करे हम सब जो है उसमें दाखिल हों, और जितने लोग भी गए हुए हैं उनको दोबारा अल्लाह तौफीक दे, जो नहीं गए हैं अल्लाह उनको अरबईन के उस कूह मजमे में और उस जम में गफीर में हाजिर होने की तौफीक इनायत फरमाए इमाम ज़मान के वसीले से इंशाल्लाह। तो ये कल के बचे हुए जो सवालात थे, उसके बाद और भी मैंने कुछ लिखाया था, किसी को याद है? मैंने कहा था कि बताएंगे, लिखवाया नहीं था मैंने, याद है कुछ किसी को? देखिए
आखिर में सवालात हुए थे, हतमी पांच अलामतें जो हैं इमाम के ज़हूर के करीब ज़रूर भी ज़रूर जब हो जाएगी तो इमाम का ज़हूर होगा, वो पांच कौन कौन सी हैं कोई बताएगा? जी और आसमान से एक नदा, अल्हम्दुलिल्लाह नींद तीन चीज़ें आती नहीं मैंने बताई थी हैं, दो नहीं बताई, दो बहुत ही ख़तरनाक है, और ख़तरनाक इसलिए है कि दो फ़िरक़ों से ये बात इसलिए मैं थोड़ा सा रुक के कह रहा हूँ ताकि आप इसको अपने ज़हन नशीन कर लें, दो फ़िरक़ों से मुतमस्सिक है ये दोनों चीज़ें, एक तो खुरूज सुफियानी और एक खुरूज यमानी, ये बहुत है, पांच चीज़ें ये हैं। सही है आसमानी जो रवायत में छठे इमाम की हदीस है उसी किताब में कमालुद्दीन व तमामुन नेमा, हम एक मशवरा देंगे आप तमाम लोगों को कि आप जितने लोग इस दर्स में शिरकत कर रहे हैं आप लोग चार चार पांच पांच लोगों का एक मुताले का ग्रुप बनाइए, मुताले समझ रहे हैं ना क्या कहते हैं, हैं स्टडी, यानी चार पांच लोग बैठें और कुछ सफात मुअय्यन करें, हम लोगों ने ईरान में बहुत किया है, बहुत से दूसरे मुल्क के दोस्तों के साथ शहीद मुतहरी की किताबों को कमालुद्दीन सहाय सित्ता पूरी बितनी है सबका एक दौर जो है, हम लोगों ने पूरी पाकिस्तान के दोस्तान थे अफगानिस्तान के हर जगह के पूरी किताब में 100 सफ़ा मुअय्यन करते थे 50 सफ़ा मुअय्यन करते थे कि आज यहाँ से यहाँ तक मुतालिया करके आना है और उसके बाद मतलब को आके बयान करना है, तो ये जो हौजे का कल्चर है उस कल्चर को अगर आप यहाँ लाएंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होगा और किताब पर आपको अबूर होगा और आपके इल्म में इजाफा होगा, ये मशवरा है हमारा, अल्लाह अगर तौफीक दे तो बहुत ही मुहिम होगा कि इस किताब को कमालुद्दीन वो असासी किताब है इमाम दवान की मारफत की, इसको आप 10-10 सफ़ा बहुत ज़्यादा अगर वक्त ना हो तो ये जो घर के करीब हों वो इकट्ठा कहीं पर बैठ कर 10 सफ़ा जो है मुतालिया करके आके डिस्कस करें, यह अगर मुतालिया वक्त नहीं कर सकते हैं तो हमारा ये मशवरा है कि वहीं पर आकर कुछ सफ़े मुताले एक घंटा मुअय्यन करें, मुअय्यन करके कुछ सफ़ा मुताले करें, मुताले करके डिस्कस करें, वो जहन में बातें बैठती हैं जो हमने अंजाम दिया है और अंजाम देकर हमने और बहुत से उलमा जो मसलन यहाँ पर आज कुम से जो पूरी एक यूनियन हिंदुस्तान में खिदमत के लिए मौजूद है सब ने इन कामों को अंजाम दिया है, और कामों को अंजाम देने के बाद उसका समरा आप हजरात पता नहीं एहसास कर पा रहे हैं नहीं एहसास कर पा रहे होंगे बिल्कुल, जो बहरहाल खुदा की तौफीक थी, तो मेरा एक मशवरा था इसको इंशाल्लाह आप हजरात अमल में लाइए तो आपके लिए मुफीद होगा, इस किताब के लिए और जमाल मुंतज़र के लिए, दोनों किताबें असासी हैं, एक इस ज़माने के आलिम की लिखी हुई आयतुल्ला साफ़ी गुलपैगानी और एक इमाम ज़मान की गैबत सुगरा के ज़माने के करीब आलिम की लिखी हुई है शेख सदुख़ अलैहिर्रहम, ये दोनों किताबों का अगर आप मुताले करेंगे तो बहुत सी इंफॉर्मेशन इमाम ज़मान के सिलसिले में आपको हासिल हो जाएगी इंशाल्लाह, खुदा हम सब को तौफीक दे कि ये काम अंजाम दें, इसके लिए बवाद बुलंद सलावात भेजिए वर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो पांच चीज़ें बहरहाल ये सिलेबस में फ़िलहाल नहीं है लेकिन आइंदा हो सकता है हों, तो मैंने इसलिए बता दिया ताकि आपके इल्म में छठे इमाम की ये हदीस रहे कि जो पांच चीज़ें हैं वो खुरूज यमानी और खुरूज सुफियानी, खुरूज सुफियानी जो है वो अबू सुफियान की नस्ल से होगा जो एक यानी वो ये बुलंद सदा करेगा, सदा बुलंद करेगा कि शियों को कत्ल आम करो, मसलन जो आप देख रहे हैं बहुत से लोग कहते हैं हो चुका है खुरूज हो चुका है सुफियानी का, यमानी जो होगा वो यहूदी फ़िरक़े का होगा और जो मैंने कहा कि सहयूनी लश्कर एक तैयार करेगा और वो कहेगा कि जितने मुसलमान हैं सबको मुसलमानों को कत्ल कर डालो, ये पूरी एक साजिश चल रही है, हो सकता है बहरहाल यकीनी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है कौन सी अलामत जाहिर हुई है कौन सी नहीं हुई है, लेकिन बहरहाल ये पांच अलामतें छठे इमाम ने फरमाया है ये हो के रहेंगी, जब ये हो जाएं तो आप अपने आप को आमादा कर लीजिए इमाम के ज़ुहूर के लिए, और आमादा कैसे करेंगे जो मैंने तरीक़ा बताया है कि जंग बद्र में जिन जंग ओहद में जो नुकसानात हुए किस वजह से हुए, जो निगेटिव पॉइंट थे उन लोगों में कि जिन लोगों ने जंग को जीती हुई जंग को शिकस्त में तब्दील करने के कगार पे पहुंचाया, उन सब चीज़ों को अपने से हम जुदा करें, तवल्ला और तबर्रा क्या चीज़ है, वही है कि जो है तवल्ला यानी
मौला के चाहने वालों जैसा और मौला जैसा अमल अंजाम देकर उनसे अपने को करीब करें, इसे तवल्ला कहते हैं। तबर्रा इसे नहीं कहते हैं कि चौराहे पर खड़े होकर हम बुरा भला कहें। तबर्रा की जो मीनिंग है, जो माने हैं, वो ये हैं कि उनके अमल से अपने अमल को हम दूर करें, ये असल तबर्रा है। समझे? कुरान कह रहे हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं तबर्रा करने वाले। कुरान की आयात ऐसी हैं कि कुरान रुब तालिल कुरान, बाकायदा ये रवायत में, और कुरान भी कह रहा है बहुत से तिलावत करने वाले ऐसे हैं कि कुरान के ऊपर लानत कर रहा है। क्यों? इसलिए कि लानतुल्लाह अल काज़िबीन, और कुरान की तिलावत कर रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, तो कुरान उनके ऊपर लानत करेगा, ज़ाहिर सी बात। तो लिहाजा अपने को अहले बैत अलैहिस्सलाम के किरदार से करीब करना, ये है तवल्ला। और उनके दुश्मनों ने जो काम किया है, यानी अहले बैत अलैहिस्सलाम को धोखा दिया है, अहले बैत अलैहिस्सलाम के दर पे आके जो है मसलन लाग और लकड़ियाँ लेकर आए, और तमाम तर जितने जुल्म किए हैं, उन जुल्म से अपने को बचाना, और जितनी बुराइयाँ यजीद और माविया और तमाम तर लोगों के अंदर थी, उनसे अपने को बचाना, इसे क्या कहेंगे? तबर्रा। क्या कहेंगे? अहसन था। देखिए माशाल्लाह से सब जो है अब बोलने लगे हैं धीरे धीरे, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये बात समझ में आ गई आपको? आपसे सवाल करें, हम आदा है नहीं, अभी बाद में एक सलावत भैया बार मोहम्मद वाले मोहम्मद। खूब तवल्ला और तबर्रा की तारीफ आप करिए, क्या कहते हैं? तवल्ला किसे कहते हैं, तबर्रा किसे कहते हैं? इखलास है, इसलिए एक तरफा ना मामला ना, बताइए। इसके बाद खारान में से किसी का भी नंबर आएगा, किसी पूछेंगे जी, बताइए। अहसन जी जी, और तबर्रा वो हाँ जो बुराइयाँ हैं उनसे अपने को दूर रखना, इसे कहेंगे तबर्रा। अहसन, जज़ाकुमुल्लाह। इनकी सलामती के लिए एक सलावत भेजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब देखिए पहले की बातें थी जो मैंने अर्ज किया, आज का जो सिलेबस है, सिलेबस का जुज है और दर्स है, वो ये है कि कुरान की आयात में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की झलकियाँ, इसमें मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। आपसे कोई पूछे इमाम ज़मान का तस्करा कहाँ पर है कुरान में, तो आज के दर्स को आप पढ़ने के बाद किसी से बयान कर सकते हैं कि कुरान में कहाँ पर है। सबसे अहम जो इमाम मेहदी अज्जलल्लाह ताला फरजहु शरीफ का तस्करा है, वो ये है कुरान में सूरह नूर, और इसी पे पूरे दर्स की जो है असास है, ये जो आयत में लिखने जा रहा हूँ, सूरह नूर आयत नंबर 55। क़ुरान में इमाम ज़मान का तस्करा वैसे कितनी जगहों पर है ये मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत सी जगहों पर है, लेकिन वादे तौर पे इमाम ज़मान की हुकूमत का वादा जो अल्लाह ने किया है, 265 जगहों पर क़ुरान में इमाम ज़मान के सिफात और इमाम ज़मान के सिलसिले में बयान किया है। ये अदद हो सकता है इम्तहान में पूछा जा सके, और ये आयत का नंबर भी पूछा जाएगा, श्योर हैं एकदम। और उस आयत के सिलसिले में जो तौज़ीह और वजाहत मैं बताऊंगा, इसको हतमन अपने ज़हन में रखिए। दो सौ पैंसठ जगहों पर इमाम के सिफात, तीन चीज़ों का जिक्र किया है। क्या? इमाम के बारे में इशारा मिलता है, यानी इशारे के तौर पर इमाम की हुकूमत, इमाम के ज़माने ज़हूर की खसूसियात क़ुरान में बयान की गई हैं। दूसरी चीज़, आ हज़रत की गैबत पर गुफ्तगू, यानी गैबत पे दलाइल पेश किए गए हैं, जैसे जनाब ईसा की ज़िंदगी को बयान करके जनाब इमाम ज़मान की गैबत पे दलील, जनाब खिज़र का वाक़िया, जनाब यूसुफ की जहाँ पर तस्करा है वहाँ पर इमाम ज़मान की गैबत का तस्करा, ये सब बहरहाल ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें हैं, मिसाल दे रहा हूँ। दूसरी हुकूमत इमाम, तीसरी चीज़ जो है हज़रत की हुकूमत और उनके साथियों के खसाइस, उनके साथियों की खसूसियतें बयान की गई हैं कुरान में, उनकी क्या क्या खसूसियतें होंगी, क्या क्या सिफतें होंगी, जो आखिर में मैं बयान करूंगा, ताकि हम और आप जो है अपने अपने को चेक करें और अपने अंदर उन खसूसियतों को पैदा करने की कोशिश करें। जो आयत है सूरह मुबारक नूर की,
उसमें जो बयान किया गया है वो ये है कि वअदल्लाहु लज़ीन आमनू, यहाँ से आयत शुरू है, यानी अल्लाह का ये वादा है, वादे इलाही है कि अल्लाह एक दिन अपने हुज्जत के ज़रिए पूरी दुनिया पर हुकूमत कायम करेगा। ये सूरह नूर का एक खुलासा मैं बयान कर रहा हूँ कि जो है ये वअदल्लाहु लज़ीन आमनू मिनकुम वअमिलुस सालिहात, अल्लाह का ये वादा है तुम लोगों में से कि जो नेक अमल करते हैं, अमल सालेह अंजाम देते हैं, लयस्तखलफन्नहुम फिल अर्द, ज़मीन पर उनको खलीफा बनाया जाएगा, ज़मीन का उनको मालिक बनाया जाएगा। ये यहाँ पर क़ुरान में इमाम ज़मान की हुकूमत का यहाँ पर तज़किरा है। ये आयत मिलाक है जो यहाँ पर मैं आपकी ख़िदमत में अर्ज़ करूँ कि अल्लामा तबातबाई ने इस आयत के सिलसिले में जो बयान किया है वो ये है, यहाँ पर मैं पढ़ के बताऊँ कि मुख्तलिफ़ बहुत से लोगों ने बहुत से तफसीर और तावील की हैं, लेकिन अल्लामा तबातबाई जो कि बहुत बड़े मुफस्सिर, और उनके बारे में बहरहाल आप लोगों ने सुना होगा कि इनकी खसूसियत क्या थी, दुनिया से जा चुके थे, उसके बाद दोबारा अल्लाह ने इनको ज़िंदगी दी, सुना होगा वाकया आपने, दोबारा वापस आए कि किस लिए आए, यही तफसीर मजमूल बयान, तफसीर मजमूल बयान लिखने के लिए, यही अल्लामा तबातबाई की जो तफसीर है। तो इन्होंने ये बात लिखा है कि ये आयत जो सूरह नूर की आयत नंबर 55 है, इसमें तत्बीक सिवाय इमाम ज़मान की हुकूमत के दूसरा कोई नहीं हो सकता है। यानी कैसे, क्यों, ये सब चीज़ें तर्जुमा मैं जब मैं बयान करूँगा। सबसे पहली चीज़ है, शिया और सुन्नी दोनों किताबों में क़ुरान की बाज़ आयतों को इमाम महदी से मुतालिक तफसीर की गई है, यानी अहले सुन्नत के उलमा ने भी इमाम ज़मान की हुकूमत से इस आयत को मुंतबिक किया है और तफसीर किया है, अहले तशय्यो ने भी। वक्त नहीं वरना मैं एक एक अर्ज करता। अल्लाह का वादा इमाम ज़मान के ज़ुहूर के ज़रिए पूरा होगा, यानी अल्लाह का जो वादा है, वादे इलाही, और अल्लाह जो चाह रहा था, अल्लाह का इरादा जो है, इमाम ज़मान के ज़ुहूर के बाद जो पूरी दुनिया पर एक हुकूमत कायम होगी, अल्लाह देखिए रोज़े अव्वल से यही चाह रहा था कि अपने नुमाइंदों के ज़रिए दुनिया पर हुकूमत कायम हो, और जो नेमतें अल्लाह ने रोक रखी हैं, आपने रिवायत सुनी है ना, कौन सी रिवायत, कि नेमतें फरावान हो जाएंगी। कैसे नेमतें फरावान हो जाएंगी, क्योंकि जब असली वारिस आएगा तो नेमत खुद ब खुद उसके पास आ जाएंगी, ज़मीन नेमतें उगलेगी, आसमान से नेमत नाजिल होंगी। कैसे नाजिल होंगी, क्योंकि लोग बाअमल हो जाएंगे, और हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे, और जो बेअमल हैं वो दुनिया से जो है इमाम ज़मान की तलवार के ज़रिए चले जाएंगे। जब दुनिया पाक हो जाएगी उनके वजूद से, तो जाहिर सी बात है पाको पाकीज़ा लोग खाली दुनिया में रहेंगे, तो नेमत का इजाफा होगा। जो आयत का तर्जुमा है वो यहाँ पर मैं लिख दूँ ताकि एक खुलासे के तौर पर आपके जहन में रहे। खुदा का इरादा है कि जो लोग साहिबान ईमान व अमल हैं, तर्जुमा आयत, आयत आप लोग नंबर देखकर सूरह में लिखकर आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन बहरहाल तर्जुमा यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। अल्लाह का वादा है इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के, नहीं रुक जाइए एक मिनट, इरादा, वादा नहीं, अल्लाह का इरादा, इसको मैं मिटा के, जो मिन व अन आयत है, खुदा ने इरादा किया है जो लोग साहिबान ईमान हैं और अमल सालेह अंजाम देते हैं, अमल सालेह
یعنی نیک عمل انجام دیتے ہیں، عمل صالح انجام دیتے ہیں، عمل صالح انجام دیتے ہیں وہی لوگ زمین پر حکومت کریں گے، یعنی اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ جو لوگ صاحبان ایمان، جی خصوصیتیں میں یہاں اسی آیت میں بتا رہا ہوں، صاحبان ایمان ہونا ایک، عمل صالح انجام دینا دو، دو صفتیں اس آیت میں یہاں تک بیان کی گئی ہیں، یعنی نیک عمل انجام دینا، عمل صالح انجام دینا، اور ایمان کا قوی ہونا یعنی مؤمن ہونا، یہ دو صفتیں اس یہاں تک کے ترجمے میں بیان کی گئی ہیں کہ خدا اس وقت ایسا دین محکم کر دے گا کن لوگوں کا، کہ جو لوگ امام کی حکومت کے حقدار ہوں گے اور جو لوگ امام کا ساتھ دینے والے ہوں گے، ان کا دین ایسا مستحکم کر دے گا جو ان کے مورد رضایت و خوشنودی ہے، یعنی اللہ کے رضایت اور خوشنودی کے اعتبار سے ان کا دین محکم ہو جائے گا، امن و امان ہوگا اور اس سے پہلے خوف اور ناامنی میں زندگی نہیں کرتے ہوں گے۔ یہ پوری آیت کا بہرحال یہاں تک میں نے ترجمہ لکھا ہے۔ جو دوسری خصوصیت یہ ہے، بورڈ پہ لکھ دوں تاکہ سب کے لیے آسان رہے، تیسری نمبر ایک، یہ نمبر دو، نمبر تین جو ہے وہ یہاں پہ میں لکھتا ہوں، خدا اس وقت ایسا دین محکم کر دے گا جو ان کے مورد رضایت و خوشنودی ہوگا، تیسری صفت یہ ہے، یعنی جو لوگ امام کے ساتھ ہوں گے اس وقت ان کا دین بہت مستحکم ہو گیا، یعنی ان کو کوئی بھی ہلا نہیں سکتا ہے۔ اور مؤمن کی ایک صفت روایت میں بیان کی گئی ہے کہ المؤمن کالجبل الراسخ، مؤمن ایک پہاڑ کی طرح ہے، لا تحرکہ العواصف، اس کو کوئی بھی آندھی نہیں ہلا سکتی ہے، یعنی مؤمن اتنا قوی اور مضبوط ارادے کے اعتبار سے، علم کے لحاظ سے اور ہر لحاظ سے قوی ہو جائے تو اس وقت امام کے سپاہیوں میں شامل ہونے کی قدرت اور طاقت اور توفیق حاصل ہوگی، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں بہرحال ایران اسلامی میں سپاہ پاسداران اسلام، جن کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی دوراندیشی نے اس طریقے سے، جب لوگ کہہ رہے تھے کیا ضرورت ہے جب ایران میں ملیٹیٹین ہے یا الگ سے بنانے کی کیا ضرورت ہے، امام نے کہا کہ ایک وقت آئے گا، امام خمینی رحمۃ اللہ کا جملہ یہ ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہ لوگ بھی ہمارے ملک کے نہیں ہوں گے، تو اس وقت ضرورت ہوگی کہ انٹرنیشنل لحاظ سے کوئی ایسی فوج ہو صرف ایران کے اندر نہیں۔ امام کا ایک جملہ میں بتاؤں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ کہتے تھے کہ میں نے انقلاب صرف ایران کو بچانے کے لیے نہیں کیا ہے بلکہ عالم اسلام کی حفاظت کے لیے کیا ہے، یہ الگ بات ہے، اس زمین پہ انقلاب آیا، اس زمین کے لوگوں نے انقلاب کا سپورٹ کیا، لیکن پورے عالم اسلام کی حفاظت کے لیے انقلاب وجود میں آیا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ شروع انقلاب میں آج کے 40 سال پہلے، وہ انہوں نے ان کی تقریر آپ سن لیجئے، وہ کہتے تھے کہ ایران کی زمین پر کامیاب ہوا انقلاب، لیکن اس لیے آیا ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان سکون و اطمینان کے ساتھ رہیں، اور ایران کے اندر انقلاب کامیاب ہو کر یا ان کی نگاہیں اور ان کی آنکھیں پوری دنیا کے تمام مسلمانوں پر رہے تاکہ وہ سکون و اطمینان کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ لہذا واقعا آج ایسا ہی ہے کہ کہیں پر بھی امت اسلام پہ اگر مشکل پیش آتی ہے تو نظام مقدس جمہوریہ اسلامی سے ہی آواز اٹھتی ہے کہ آپ جو ہے ایسا نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر کریں گے تو اسٹریٹجی جو ایران کی ہوتی ہے وہ پوری دنیا
سمجھتی ہے کہ یہ کیا جو ہے انجام دیں گے. لہذا یہ ایک قوی ترین سسٹم ہے جو سسٹم انشاءاللہ امام زمان کی حکومت سے متصل ہوگا, انشاءاللہ ہو کر رہے گا, اس میں کوئی شک و شبہ گنجائش نہیں ہے. تیسری چیز یہ, اس کا چوتھی چیز امن و امان ہوگا, یعنی وہ جو امام کے ظہور سے پہلے اور امام کے ظہور کے موقع پر امن و امان ہوگا, کوئی ظلم کسی پہ کرنے والا نہیں ہوگا, ایک دم سکون اطمینان کے ساتھ زندگی گزاریں گے. چوتھی جو صفت یہاں پر بیان کی گئی ہے, اللہ امن و امان دے گا. بس صرف اتنا ہی شارٹ لکھ دوں تاکہ اور بحثوں تک ہم پہنچ سکیں. امن ہوگا, یعنی کوئی کسی کو اذیت دینے والا نہیں ہوگا, اور اس کے برخلاف, اس کے اپوزٹ خوف کا خاتمہ ہوگا. اسی میں چوتھی میں امن ہوگا اور خوف کا خاتمہ ہوگا. چار خصوصیتیں اس آیت میں بیان کی گئی ہیں کہ امن و امان ہوگا, سکون ہوگا, اور کون لوگ ہوں گے امام کے ساتھ جو نیک اور عمل صالح کر رہے ہوں گے, اس کے بعد صاحب ایمان لوگ ہوں گے جو امام کے ساتھ دینے والے ہوں گے, خدا ان کو ان کے دین کو ایسا مستحکم اور مضبوط کر دے گا. یہ جو ہے خصوصیت بیان کی گئی ہے ان لوگوں کی کہ جو لوگ امام کا ساتھ دیں گے, اور امام کے سپاہی میں شامل ہونے کے لیے ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ اپنے اندر ان سب تمام خصوصیتوں کو پیدا کرنے کی کوشش کریں. ایک جگہ اور قرآن میں ارشاد ہوا ہے, وَأَعِدُّ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةِ اللَّهِ, جس بھی طریقے سے, جو میں نے شروع میں پہلے یا دوسرے دن کہا تھا کہ جس بھی طریقے سے اپنے کو قوی اور مضبوط کر سکتے ہو امام زمان کے لیے قوی کرو اپنے کو, جس بھی لحاظ سے, ہر لحاظ سے جیسے اپنے کو قوی کر سکتے ہو, جب کہ امام کا ظہور ہو تو ہم امام سے, امام کی خدمت میں عرض کر سکیں کہ مولا ہم آپ کا اس طریقے سے ساتھ دے سکتے ہیں. اس کے بعد جو درس میں بیان کیا گیا ہے کہ مومنوں کی عالمی حکومت ہوگی, دین اسلام کا مطلق غلبہ اور برتری ہوگی, تیسری چیز امن و سلامتی کا عام ہونا, یہی جو آیت میں بیان کیا گیا ہے. مومنوں کی عالمی حکومت ہوگی, دوسرا یہ جو اس میں لکھا چکے ہیں وہی ہے آیت میں جو ہے موجود, کوئی نئی بات نہیں ہے. آیت میں غور کرنے کے بعد جو تفسیر اور تعویل میں فرق ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ تعویل صرف امام معصوم, یہ جو ہے سوال امتحانی ہو سکتا ہے آئے کہ تعویل اور تفسیر میں فرق کیا ہے. تعویل کسے کہتے ہیں؟ تفسیر. تفسیر کسے کہتے ہیں؟ تعویل. تعویل صرف امام معصوم ہی جانتا ہے, یعنی امام کو ہی صرف پتہ ہے, امام جس کو مناسب سمجھیں گے اس کو بتائیں گے, ایسا نہیں ہے کہ مثلا سب کو بتا. لیکن تفسیر جو ہے وہ امام کی روایات کے ذریعے اس آیت کے مفاہیم کو علماء کے کتابوں میں, جو تفسیر کی کتابیں ہیں اس میں موجود ہیں, تفسیر اسے کہیں. تفسیر سب جان سکتا ہے امام کی حدیث کے ذریعے, لیکن تعویل صرف امام معصوم والراسخون فی العلم, وما یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم, خدا اور خدا جس کو چاہے, یعنی چودہ معصومین علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. یہ تعویل مخصوص ہے کس سے؟ امام معصوم سے. ایک صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد. اس کے بعد آیت کا جو اہم نقطہ تھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا, وہ خدا کا حتمی وعدہ ہے, اس وعدے میں کوئی خلف نہیں ہے, یہ وعدے کو جو ہے وعدے کے خلاف اللہ چونکہ نہیں, کوئی بھی اپنا وعدہ وعدے کی مخالفت نہیں کرتا, اس لیے یہ بھی وعدہ محقق ہو کے رہے گا, یہ وعدے الہی ہے. اور اس وعدے الہی کے سلسلے میں ہم اور آپ جو ہے مطمئن رہیں, اور اس اطمینان کے ساتھ ہم اپنے ساتھیوں کو یاداوری, یاد دہانی کرتے رہیں کہ ہم اپنے کو آمادہ کریں امام کے ظہور کے لیے. اور عبادی الصالحون کا جو لفظ
इमाम के साथियों की खसूसियत बयान की गई है, वो ये है कि सालेह बंदे होंगे, यानी नेक बंदे होंगे, जो आयत में भी बयान किया गया है और रिवायत में भी। जो मैं इस आयत के सिलसिले में तफसीर चौथे इमाम की हदीस को मैं अर्ज करना चाह रहा था वो ये है कि इमाम फरमाते हैं कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ, उनके ज़हूर और क़याम के बारे में एक सलावात भेजिए मिलकर सब पर, मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, यानी किसी भी आयत को आप अगर लें और आयत को उठाने के बाद उसकी तफसीर आप देखें इमाम के ज़रिए, तो वो आयत जब इमाम के हदीस के ज़रिए समझ में आ जाएगी तो उसी आयत को, उसी आयत की तफसीर इसी को कहते हैं तफसीर बिल हदीस, तफसीर बिर रिवाया जिसे अरबी में कहा जाता है। तो यहाँ पर जो तफसीर बिर रिवाया है यानी इमाम की हदीस के साथ इस आयत को समझना, आज का सिलेबस जो है वो यही है कि इस हदीस इस आयत को समझना जो सूरह नूर की आयत नंबर 55 और उस इस आयत की जो तफासीर हैं उन तफासीर में एक तफसीर जो चौथे इमाम ने फरमाया है वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ कि इमाम फरमाते हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम और उनके ज़ुहूर और क़याम के बारे में यह आयत नाजिल हुई है, चौथे इमाम की यह हदीस है नाजिल हुई है। इसी बात को इमाम सज्जाद ने मज़कूरा आयत की तिलावत करने के बाद कसम खाकर इमाम ने कहा, कसम खाया क्या कि इस आयत में खुदा ने अपने शियों से वादा किया है, खुदा ने चौथे इमाम ने फरमाया कि हमारे शियों से अल्लाह ने वादा किया है, क्या वादा किया है कि हम में से एक शख्स के ज़रिए खुदा ऐसा मुआशरा बरपा करेगा। चौथे इमाम फरमाते हैं हम में से एक शख्स यानी आखिरी शख्स के ज़रिए, ये इमाम ने नहीं फरमाया लेकिन एक शख्स के ज़रिए एक मुआशरा बरपा करेगा और वह उस उम्मत का महदी होगा, इमाम ने फरमाया, जिसके बारे में रसूल खुदा का इरशाद है कि अगर दुनिया के दिन ख़त्म हो जाएं और अगर एक दिन बाकी हो किसमें क़यामत आने में, तो अल्लाह उस दिन को इतना तूलानी कर देगा कि इमाम का ज़हूर हो और ज़हूर होने के बाद उनकी हुकूमत कायम हो, उनकी हुकूमत बाकी रहे, लोग अमन अमान के साथ ज़िंदगी गुजारें और उस अमन अमान की ज़िंदगी को गुजारने के बाद उन्हें एहसास हो कि जब वली खुदा दुनिया पर हाकिम होगा तो किस तरीके से हमें सुकून इत्मीनान और तमाम तर परेशानियां दूर हो जाएंगी। काश शुरू ही में लोग समझ गए होते और इमाम अली अलैहिस्सलाम के हक़ को गस्ब न किए होते और उसका नतीजा ये होता कि ये दुनिया ही जन्नत नुमा और जन्नत होती, लेकिन अफसोस लोगों ने ना साथ दिया और लोगों ने साथ दिया तो ऐसे लोगों का साथ दिया कि जिनके पास हुकूमत थी। जो मैंने कहा था कि लोगों ने जो इमामत के मफहूम को छोड़ दिया और इमाम उसे कह दिया जिसके पास हुकूमत रहे, वो इसीलिए कि लोगों ने 1400 साल पहले जो गलतियाँ की उनकी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि बहरहाल लोग एतराज़ करने लगे, करेंगे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और तरक्की का ज़माना आगे बढ़ रहा है, आज जो है उन्हीं के जो नौजवान जवान बच्चे हैं वो सब सुन के बहरहाल यूट्यूब और तमाम तर दुनिया एकदम निगाहों के सामने सबके है और उलमा भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, हकीकत वाज़े हो रही है और जो हकीकत जब वाज़े हो रही है तो उनसे उलमा से आके सवाल किया जा रहा है, भाई ये क्या हुआ, आप तो कहते हो बहुत अच्छे थे, उन्होंने ऐसा ऐसा क्या किया था, तो उस किताबों से उन चीज़ों को डिलीट किया जा रहा है जो कल मैंने अर्ज किया था, डिलीट जब कर दें, लेकिन असल किताब तो मौला के चाहने वाले अपने यहाँ महफूज रखे हैं, उसको कहाँ से डिलीट करेंगे, हैं तो उसको कोई डिलीट नहीं करता, उसके बाद उसको दिखाया जाता है तो फिर वो जो है जो वाकई हो रहा है कि लोग तशय्यों के दामन में तेज़ी से बढ़कर आ रहे हैं और एक तेज़ी से शियत बढ़ रही है। जो मैंने परसों या इससे पहले के दर्स में कहा था कि हमारे उस्ताद का एक जुमला है, वो अक्सर कहते हैं कि मसीहियत कितनों बढ़ती चली जाए, बात दूसरी आ गई थी इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया था, वो ये थी कि मसीहियत कितनों बढ़ती चली जाए हम मुतमईन रहें, लेकिन जो ज़ायनिस्ट फ़िरका है जो सहयूनी फ़िरका है वही इमाम के ख़िलाफ़ खड़ा होगा, और जो सूफियानी और यमानी फ़िरके वाले हैं जो अभी शुरू में अर्ज किया यही दोनों इमाम के मुकाबले में आएंगे, और कुछ बदनसीब जो हमारे मुआशरे के होंगे वो भी दुनिया रोशन फ़िक्र हज़रात
जो आज मसन कहते हैं अरे उनके पास ताकत है तो उनसे कैसे लड़ा जा सकता है, बात लोग कहते हैं ना, तो वो उस टाइप के लोग कहेंगे अरे उनके इसराइल के पास ताकत है और मसन ये हो तो उनके पास उन्हीं की तरफ जाएंगे, जब जाएंगे जाहिर सी बात है वो जहन्नम की तरफ जा रहे हैं और इधर हुकूमत का अल्लाह का ये वादा है, अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं हो सकता है। तो जो मसीहियत बढ़ती चली जा रही है इसमें कोई भी हमें यानी खौफ और डर वजूद में लाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? इसलिए पता नहीं मैंने अर्ज़ किया था नहीं अर्ज़ किया था, छूट गया था शायद, है ना, कि जब इमाम का ज़हूर होगा और जनाब ईसा भी आसमान से आएंगे और जब पानी पर मुसल्ला बिछा होगा तो जनाब ईसा पहले आ चुके होंगे और इमाम थोड़ी देर बाद नमाज़ पढ़ाने के लिए आएंगे। मसीहियत जनाब ईसा का इंतज़ार कर रही है, जनाब ईसा के पीछे सब खड़े हुए होंगे कहेंगे कि आप नमाज़ पढ़ाइए, जनाब ईसा पीछे हो जाएंगे और कहेंगे कि आप इमाम वक्त हैं, आपके रहते हुए एक नबी कैसे जो है नमाज़ पढ़ा सकता है। तो उस मुसल्ले पर पानी पर का अगर हम जाएंगे तो डूब जाएंगे, जनाब ईसा ये जुमला कहेंगे इमाम से, अच्छा ये जुमला कहेंगे पूरी ईसाइत ये सुनकर कहेगी कि जब हमारे नबी खुद जिनका हम इंतज़ार कर रहे थे जिनके हम फॉलोअर हैं वो खुद इनके ऊपर ईमान ला रहे हैं तो पूरी मसीहियत इमाम के ऊपर ईमान ले आएगी और पूरी दुनिया तशय्यो के दामन में ऐसे आ जाएगी और पूरी दुनिया पर तशय्यो का परचम लहराएगा और सब जो है तशय्यो और शियत के दामन में आ जाएंगे। ये बहुत ही अहम टर्निंग पॉइंट है दुनिया में इमाम के ज़हूर के बाद और जनाब ईसा के आसमान से उतरने के बाद कि मसीहियत कितनों तरक्की करती रहे लेकिन एक दिन हमारे साथ उनको आना ही आना है, क्योंकि उनके लीडर जब इमाम ज़माना के साथ होंगे तो वो कहाँ से उनको छोड़ के जाएंगे। एक सलावत भेजिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बहरहाल बहुत सी आयात और उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि बहरहाल वक्त बहुत ज़्यादा ना हो जाए। महदवियत के सिलसिले में कुछ रिवायात हैं, आयत सिर्फ इसी को मिलाकर हम बना रहे हैं, आपके सिलेबस में भी सिर्फ एक आयत का तस्करा है लेकिन कुछ रिवायात हैं जिन रिवायात को हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाह रहे हैं। बस सिर्फ मेरे ख्याल से एक रिवायत में अर्ज़ करके उसके बाद वक्त तमाम है शायद, हैं नहीं है वक्त, एक मिनट, हाँ एक मिनट, जब आप हरकत में आते हैं तो हम समझ जाते हैं कि जो है एक मिनट ही बचा होगा। खूब चलें, आज अगर आज के दर्स में कुछ बचेगा तो कल मैं इंशाल्लाह अर्ज़ करूँगा, वैसे कुछ बचा नहीं है, सारी चीज़ें मैंने अर्ज़ कर दी हैं। तो रिवायात है महदवियत के सिलसिले में वो ये है कि मुस्तकबिल में आलमी हुकूमत अदल का, यानी रिवायत में आने वाले दिनों में मुस्तकबिल में एक आलमी हुकूमत का क़याम, ये रिवायत में है और उस क़याम को रसूलुल्लाह की नस्ल का ही एक फ़र्जंद है कि जिसके ज़रिए दुनिया पर हुकूमत कायम होगी। ये एक रिवायत थी जो मैंने अर्ज़ की आपकी खिदमत में। बहरहाल इसके अलावा जो किताबें हमने आपकी खिदमत में पेश किया था उनमें से एक किताब जो मैंने वादा किया था यहाँ पर लिख दूँगा, सुलैम इब्ने क़ैस हिलाली, बहुत ही मोतबर तरीन किताब है, किताब का नाम ही है किताब सुलैम इब्ने क़ैस, एक सहाबी हैं मौला अलैहि सलाम के, और ये आप जब किताब पीडीएफ मौजूद है अगर आप लोग चाहेंगे उर्दू में, सुलैम इब्ने क़ैस हिलाली, सुलैम इब्ने ये किताब है जिसको मिलाक बनाया गया है कि जितने वाक़यात हुए हैं अव्वले इस्लाम में उन सारे वाक़यात को यहाँ पर इकट्ठा किया गया है। और इमाम चहारुम ने, चौथे इमाम ने इस किताब की ताईद की है कि ये किताब हमारे चाहने वालों के पास होना चाहिए और ये मोतबर तरीन किताब है, बाकायदा उसके ये लिखा हुआ है उसमें। ताईद का मतलब ये नहीं कि साइन जैसे इकमालुद्दीन, लेकिन इमाम का कौल उस पर लिखा हुआ है कि ये किताब हमारे चाहने वालों के पास होना चाहिए, मोतबर तरीन ज़रिया है हमारे सिलसिले में तमाम तर जानकारियाँ हासिल करने का। लिहाजा इस किताब में वो जो मैंने अपने अर्ज़ किया था कि ख़ाहर मोहतरम ने सवाल किया था
कि जो दर ज़हरा पे लोग आए थे, तो अपनी किताबों में इस किताब में वाज़ह तौर पर मौजूद है और अहले सुन्नत की बहुत सी किताबों में ये वाक़यात मौजूद हैं। जो आइंदा अल्लाह तौफीक देगा तो और किताबों को मैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत में अर्ज करूँगा। बस आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह आइंदा अर्ज करेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अत्तहिरीन।